देखिये यहाँ पर यू नो बाइंग इंटरेस्ट नजर आया है इनफैक्ट uh, पिछले हफ्ते से यू uh, नो you know, uh, एक काफी सस्टेनेबल ट्रेंड इसने पकड़ ली है ऑन द हायर साइड एंड अभी भी uh, जिस तरीके से डेटा है आई थिंक एक अच्छा कॉन्फिडेंट बेस 860 के आसपास एलिवेट हो चुका है तो ट्रेडिंग के लिहाज अगर छोटे से पुल मिलते हैं तो पुल पे ही खरीदारी uh, करने की ही सलाह होगी एंड ऑन द हायर साइड नौ सौ के पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नजर नहीं आता तो मुझे लग रहा है अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन है सो so, uh, वो रिटेन करनी चाहिए 860 के स्टॉप लॉस के साथ 920 के टारगेट के लिए जिम ये डीएलएफ 881 पे आके ट्रेड करता हुआ और स्क्रीन पे क्या अच्छा कर रहा है अनुज एचपीसीएल एचपीसीएल लेके आइए आईओसी लेके आइए आईओसी अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, देखिए मैं एवरेजेस के सहारे बार-बार उस गणना को कर

490 तक आ गया था जिस दिन वो प्र, प्र, प्राइस हाइक आई थी आ, मैं उस दिन ट्रैवल कर रहा था आपको याद होगा मैं उस उस दिन ट्रैवल कर रहा था और मैंने उस दिन फोनर भी किया था उससे मैं उस दिन काफ़ी हैरान था उस दिन के प्राइस एक्शन से अच्छा मैं हुआ क्या था ना उस दिन क्रूड भी भाग गया था तो उसकी वजह से एक चीज़ हुई थी क्योंकि मेरे मेरा ये मानना था कि मार्केट ने जो 594 था 594 से जो 490 हुआ था उसमें दो रुपये क्या मेरे को तो लग रहा था छः सात रुपये का प्राइस कट फैक्टर इन कर लिया था तो दो रुपये तक तो कुछ भी नहीं था प्राइस कट हाँ एक चीज़ ये है अगले तीन महीने थोड़े से टफ रहेंगे क्योंकि अगर क्रूड इसी तरीके से ऊपर रहा और ऑब्वियसली आप प्राइस हाइक तो कर नहीं पाएंगे तो दिक्कत आएगी लेकिन खैर इन कंपनियों का एक और बिजनेस है रिफाइनिंग रिफाइनिंग में अच्छा पैसा बन रहा है स्पेशली एच जैसी कंपनियों का तो ये मेरा एक व्यू था एक कि तर्क संगत व्यू यही था कि ये डिक्लाइन एक अपॉर्चुनिटी थी एच पी सी एल अगर आपने पिछली रैली मिस कर दी थी तो ऐड करने क्योंकि वैल्यूएशन भी आपके फेवर में थे और मेरा ये मानना है कि एक बार इलेक्शन खत्म होंगे ना आप वापस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ऑल टाइम हाई देखेंगे तो यहाँ अभी भी मुझे लग रहा है कि स्पेस है बॉटम बन चुका है यहाँ पर बॉटम hmm, बन चुका है बट आई थिंक आज की महफिल लूट के लिए गया कोई एक अगर स्टॉक दैट्स रिलायंस दो ऊपर आई मीन रिलायंस का क्योंकि ये हैवी वेट है मेरे ख्याल से ये एक मार्च के बाद सबसे बड़ी इंट्रा डे कैंडल है आई मीन टू नाइन फोर नाइन मानस आपकी रीडिंग क्या कह रही है रिलायंस को लेकर देखिए व्यू तो पॉजिटिव है अगर हम टेक्निकली देखें तो अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने करेक्शन के बाद फिफ्टी डे मोइंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था रिकवरी दिखाई ट्वेंटी डे मोइंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस करने लगा

अगेन मैं बोल रहा हूँ मेरी अप्रोच यही थी कि बाईस हज़ार पचास के आसपास अगर निफ्टी हो तो उसको सेल करें बाईस एक सौ के स्टॉप के साथ लग रहा है कि वो शायद ट्रेड फेल होने वाली है क्योंकि जिस तरीके से रिलायंस अब ये देखिए ये किसी ने फैक्टर नहीं किया था कि एक अकेला रिलायंस पचास पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा देगा निफ्टी पर ठीक है ना तो अब टिक रहा है लेकिन बाईस एक के ऊपर इंटरेस्टिंग है बाईस एक पर इस समय निफ्टी टिक रहा है और इवन बैंक निफ्टी भी अब हायर एजिस को स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है फोर्टी सिक्स एट हंड्रेड फोर्टी सिक्स एट हंड्रेड को स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी तो आज थोड़ा सा मार्केट अब अगेन ये फेक मूव है या नहीं ये तो खैर बाद में पता चलेगा लेकिन अभी के लिए तो खैर ये मूव सस्टेन कर रहा है निफ्टी पर खास तौर से तो इसको आपको रिस्पेक्ट देना होगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्लियर कट मोमेंटम अब यहाँ पर और कुछ और स्टॉक्स लेकर आइए जहाँ पर मोमेंटम लौट रहा है बट टी वी मोटर का चार्ट देखिए गाबा सर टी मोटर देखिए एक बार uh,

टी वी एस मोटर्स आपकी स्क्रीन पर डे हाई की डिजेक्ट्री मार्केट ट्रेड करता हुआ टू वन वन एट अब क्या हम कर सकते हैं डी एल एफ का भी जिक्र किया था डी एल एफ डे दे हाई की डिजेक्ट्री में और अच्छा मूव देता हुआ आ, मेरे स्क्रीन पर बहुत देर से एक बार एक स्टॉक है दट्स कंटेनर कॉर्प लेके आइएगा मूव अच्छे दे रहा है और इसके ऑप्शन बार बार स्क्रीन पर आते हुए एट एट्टी वन ट्वेंटी आशीष बहती जी

अगर मैं आपसे कहूं कि अभी भी इन चार कंट्रीब्यूटर्स में से से, एक खेलना है, तो वो कौन सा हो well, on the long side, uh, definitely बैंक होगा? होगा, बैंक uh, जिस तरीके से, uh, despite of the volatility, uh, इसने अपने एवरेज़ को सपोर्ट दे के रिस्पेक्ट दिया है तो मुझे रहा है, uh, 1080 के नीचे जब तक एक होती तब तक यू नो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी नो

बैंक के लिए तो आई थिंक वो सारी फोर्स रिक्वायर्ड जो जरूरत थी ना वो है स्क्रीन पे भले ही निफ्टी के लिए शायद वो अकेला मात्र थर्स जनरेट आई ये रिलायंस कर रहा हो बट शायद निफ्टी बैंक के लिए तो वो सारी फोर्सेस हैं पॉली कैब लेके आइएगा स्क्रीन पे कल भी हम इस स्टॉक पे डिस्कशन कर रहे थे मूव अच्छा दे रहा है और उस को होने वाले क्लस्टर से बाहर निकल के आ चुके हैं नाउस फिफ्टी वन जीरो सिक्स दैट मीनस अब अगर आप मैथमेटिकली देखें ना इक्यावन सो आठ का प्राइस क्या है इक्यावन सो आठ का प्राइस है वो कारनेचुआ था पॉली कैप के लिए उसका फिफ्टी परसेंट अगर आप देखें ये रिकवर कर चुका है गुड पॉली कैपेट ले लेता हूँ यहाँ पे हल्का सा आशीष भाई दीजिए आपका पॉली कैपे टेक जी, चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी इंप्रेसिव है और जिस हिसाब से उसने अपना जो नाइन्थ जनवरी का जो

फिफ्टी परसेंट नुकसान भी पूरा हो गया उसको तो छोड़िए अड़तीस सौ नब्बे को तो छोड़ दीजिए लग रहा है कि अब मतलब कन्विशन बन गया है, इसमें फाइनली आई थिंक कल भी बात हुई थी वीरू हमारी इस पर कल भी बात हुई थी कि ये आ, मार्केट ने आपको एक वर्डिक दे दिया कि मार्केट अब इस चीज़ को मानने को तैयार है कि अब जो हो गया वो हो गया अब लेट्स मूव ऑन हाँ ऑब्वियसली इसमें ये रिस्क हमेशा रहेगा कि दोबारा नहीं होना चाहिए थी ठीक है ना एक बार के लिए मार्केट हमेशा आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार होता है और अब मैं ये कहूँगा कि आ, शायद हो सकता है कि ये अपने प्रीवियस हाई की तरफ भी बढ़ चले पैटर्न तो यही बता रहा है और अगेन एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत पैसा बना के दिया है आपको सिर्फ एक लास्ट के तीन महीने का फेस छोड़ दीजिए तो और अड़तीस से इक्यावन सौ देखिए कितने क्विकली आया है ये अपने आप में बता रहा है कि मार्केट ने एक लीप फेथ लिया ली है यहाँ पर hmm.